गाइस वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। और इस बार की ब्लॉग बहुत ही अलग होने वाली है क्योंकि हमेशा मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाना था, इधर उधर जाता था तो ब्लॉग बनाता था। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे दिन का शेड्यूल मेरा क्या है, वो उसके ऊपर है ब्लॉग। तो अभी फ़िलहाल मैं निकल चुका हूँ जहाँ मेरे को जाना है जॉब पे। तो अभी यहाँ से मिनिमम 5 किलोमीटर होगा, तो डेली मैं साइकिलिंग करके जाता हूँ, साइकिल से जाता हूँ और फिर वहाँ पहुँच के वीडियो। सो गाइस मैं मेन गेट पहुंच चुका हूं। सो सबसे पहले मेरे को थोड़ा पेपर वर्क करना है, तो उसको करने के बाद उसके बाद अंदर चलेंगे। सो ये मेन गेट और इधर पेपर वर्क करना है। सो मैं जल्दी से साइकिल स्टैंड पे लगा लेता हूं और पेपर वर्क करने के बाद उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी रहती है। सो गाइस तो यही है वो पेपर जो करने थे मेरे को, पेपर वर्क तो वो मेरा हो गया है, अब बारी अंदर जाने की, तो चल करते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ प्लांट के अंदर और दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या मिल रहा है। सो यहाँ से चढ़ान है तो मैं उतर के अभी पैदल चल रहा हूँ, उसके बाद ऊपर पहुँचते ही चलते हैं। तो यहाँ से प्लांट स्टार्ट होता है, आप सुन सकते हो यहाँ नॉइस कितना ज़्यादा है एयर प्रेशर का। सो अभी मैं BF1 में हूँ, लास्ट फर्नेस 1, जहाँ मेरे को थ्रूपुट लेना है मशीन के, तो मैं जल्दी से वो थ्रूपुट लूँगा फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सो गाइस पेपर वर्क तो हो गया, अब अपन चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ, मतलब कैबिन की तरफ जहाँ अपन बैठते हैं, मतलब मैं बैठता हूँ और वहाँ काम वाम करता हूँ। सो मैं उधर के लिए जा रहा हूँ और यहाँ नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी और नॉइज़ बहुत ज़्यादा था। तो फिलहाल चलते हैं अपन, देखते हैं आगे। सो गाइस यहाँ से जितना स्ट्रेट दिख रहा है अपने को वहाँ तक जाना है और ये है ब्लास्ट फर्नेस 1 का डिपार्टमेंट था, मगर इसको तोड़ दिए क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया और यहाँ सब चीज़ काफ़ी पुराना है और रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, कब क्या हो जाए, कब कौन सा एक्सीडेंट हो जाए, कोई अता पता नहीं है। सो चलो चलते हैं, यहाँ से मैं साइकिल से जा रहा हूँ और काफ़ी आगे जाना है। ये है ब्लास्ट फर्नेस 4 और यहाँ पे पता नहीं, अंदर तो मैं कभी गया नहीं, क्या होता है क्या नहीं, और यहाँ लोको भी चलते रहती है और बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब यहाँ से ये ट्रेन देख के हमेशा पार करना पड़ता है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मगर तब भी रिस्क लेके हो जाता है। और यहाँ से जो सामने दिख रहा है वहाँ मेरा कैबिन है, तो अभी वहाँ चलते हैं। और यहाँ डस्ट इतना ज़्यादा उड़ते रहते हैं, डस्ट की रोड पे देख रहे हो, ये डस्ट पूरा जमा हुआ, यहाँ पहले रोड हुआ करती, अब डस्ट के कारण ऐसा हो गया। और वो सामने जो है वो ही है अपना कैबिन वहाँ पे। तो चलो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि मैं आज लेट भी हो गया हूँ, मेरे को थोड़ा काम था, पेपर वक्त था, तो काफ़ी लेट हो गया हूँ। तो जल्दी से चलते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं। सो गाइस यही है अपना कैबिन जहाँ हम लोग बैठ के काम करते, छोटा सा ही है। और फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा, मेरे को थ्रूपुट एंट्री करने थे वो मैं कर दिया हूँ, और अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है तो बैठ के बोर हो रहा हूँ और मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद भी आती है यहाँ, मैं टाइम से अच्छे से सो भी नहीं पाता हूँ। तो चलो चलते हैं अब बाहर। ये है लोको, यहाँ से आते जाते रहती है एनी टाइम, वहाँ से आयरन मेल्ट जो रहता है उसको लेके इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं, वहाँ से इस फैक्ट्री में ले जाते हैं, फिर कुछ कुछ होता रहता है। सो अभी मेरे को उतना नॉलेज तो नहीं है क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ, अभी मेरे को उतना सिखाया भी नहीं है। और ये यहाँ का पानी पीने का ही, ये आपको हर जगह कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ, प्यास लग रही है। सो गाइस अभी तो फ़िलहाल मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है और काम थोड़े थोड़े देर में मिलते रहता, मगर अभी कुछ नहीं है। मेरी मम्मी ने मेरे को खजूर भेजा था तो मैं वो खा लेता हूँ तब तक, और चलो आगे देखते हो आगे और क्या है। सो गाइस अभी मैं आया हूँ कैंटीन और यहाँ खाना खाने, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ भूख लगा और आज मैं खाना नहीं खाया क्योंकि मेरे को बोले थे ट्रेनिंग में जाना और ट्रेनिंग कैंसिल हो गया, तो कोई बात नहीं। तो ये है अपना कैंटीन, सामने वो है, वहाँ से खाना मिलता है। सो फिलहाल अपन पहले हाथ और मुंह धो लेते हैं क्योंकि मैं इतना डस्ट में रहता हूँ। तो सो गाइस ये है मेरा ब्रेकफास्ट और अभी मैं करके, तो अभी आगे और भी काम है मेरे को, तो जल्दी से फर्स्ट फटाक से करके मिलता हूँ। तो यहाँ अभी मैं हूँ ब्लास्ट फर्नेस 7 में और यहाँ काम चल रहा है, मैं किसी रिपोर्ट के कारण आया था, कुछ मिस्टेक चल रहा था तो उसको ठीक करने के लिए। सो मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और ये सब देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा तो लग रहा है, मगर यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, अगर छोटी सी भी गलती हुई तो इंसान हाथ धो देता है जान से। कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये हेलमेट पहन के घूमना, और यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा, कब क्या हो जाए पता नहीं। और यहाँ सामने से दिखाता हूँ, यहाँ सामने से सामने शायद मेटल को पिघलाते हैं, हाँ शायद वही हो रहा है। और यहाँ बहुत ज़्यादा हीट भी है,
सो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ देख के, बहुत एक्साइटिंग चीज़ें, और यहाँ बहुत ज़्यादा हीट लग रहा है पता नहीं क्यों। सो चलो आगे देखते हैं। सो मैं बोल रहा था ना ये बहुत हीट लग रहा है, ये इसी के कारण लग रहा था, मैं इसके ऊपर खड़ा था, लावा यहाँ से जा रहा है और मैं खड़ा था। सो अपना काम हो गया, अब अपन जा रहे हैं वापस, अपन मतलब मैं जा रहा हूँ वापस, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी आगे तो मेरा कुछ काम नहीं है वैसे, अब मेरा टाइम हो गया घर जाने का, तो मैं निकलूँगा थोड़ी देर में, फ़िलहाल यहाँ से जाऊँगा कैबिन। सो गाइस मेरा काम ख़त्म हो चुका है और मेरा टाइम भी हो गया घर जाने का, तो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, और यहाँ से मेरे को तुरंत अभी क्लब जाना है प्रैक्टिस के लिए, तो लेट भी होगा, मैं कुछ जल्दी जल्दी निकलूँगा। और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, मेरी वीडियो यही ख़त्म होती है, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए इसी पर तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।